के बाद एक बार फिर स्वागत है। हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हर परिवार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आएगा। सरकार ने बीपीएल की सीमा 1,80,000 रुपए सालाना तय की है और सरकार ने इससे नीचे वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों को भी लाभान्वित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी सत्यापित आय वाले परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आय सत्यापन के 3 चरण पहले ही हो चुके हैं। अब इन सत्यापित परिवारों का डाटा आयुष्मान भारत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि वे अपने कार्ड प्राप्त कर सके। आवेदन ना करने वाले 23,000 पात्रों को सरकार वृद्धावस्था पेंशन देगी और इन्होंने कभी इसके लिए आवेदन ही नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते एक साल में 2,18,000 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी है। गरीब हैं तो हमने विचार किया है कि उनका सारा खर्च भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिनकी आय 1,80,000 रुपया सालाना से कम है ऐसे सब परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ दिलाएंगे। उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है, हमने केंद्र से बात कर ली है, उन परिवारों को भी इस पोर्टल में जोड़ देंगे ताकि उनका कार्ड उसी सिस्टम से बन जाए। बाद में उनका खर्च जो है जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं आयुष्मान भारत की योजना का तो वहां से लेंगे। और वो सब परिवार जिनको ये दे रहे हैं क्योंकि परिवार पहचान पत्र का एक जो समान बनाया है पोर्टल उसमें निश्चित रूप से उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है तभी हमारे पास उसकी जानकारी मिलेगी कि कौन परिवार क्या है। तो ऐसे गरीब परिवारों का सबका खर्च जो बाकी बचे हैं वो हरियाणा सरकार देगी, ये हमने तय किया है और उसका प्रोसेस हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और परिवार पहचान पत्र सब लोग मिलकर यानी क्रेडिट डिपार्टमेंट सब मिलकर के उसका प्रोसेस को आगे चलाया है। 1,80,000 वेरीफाइड इनकम जिसकी होगी उसको इसमें करेंगे बीपीएल। वैसे बीपीएल का पहले जो दायरा था वो 1,20,000 साल का था, उसको हमने बढ़ा के 1,80,000 किया था और वो इनकम वेरिफिकेशन का भी जो प्रोसेस अभी चालू है 3 फेज का हो चुका है, 4th फेज अब चालू है, ये मार्च में हो जाएगा और इसके बाद भी जो बचेंगे अप्रैल में आगे भी बढ़ेगा लेकिन बिना वेरिफिकेशन के वो नहीं हो पाएंगे उसमें। हरियाणा सरकार ने पहले वृद्धावस्था पेंशन में इजाफा किया और अब सरकार परिवार पहचान पत्र के तहत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 23,000 लोग जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं और उन्होंने किसी कारणवश आवेदन नहीं किया उसके घर द्वार पर ही पेंशन देने जा रही है। तो यह है कि हम लोग सारे देश में सबसे ज्यादा सम्मान भत्ता दे रहे हैं और इसमें चूंकि सम्मान भत्ता जो हकदार है उसको मिलना चाहिए इसके लिए थोड़ा परिवार पहचान पत्र का सहयोग हम ले रहे हैं। तो उसके नाते से वैसे तो हर महीने जो लोग अप्लाई करते हैं और उनको अब समान भत्ता दिया जाता है, पिछले एक साल में 2,18,000 ऐसे लोगों को समान भत्ता नए लोगों को दिया गया है। उसमें वृद्धावस्था वाले भी हैं, उसमें विडोज भी हैं, उसमें दिव्यांग भी हैं, तो ऐसे सबको 2,18,000 पिछला जनवरी से लेकर दिसंबर तक और जनवरी 21 से दिसंबर 21 और अगर जनवरी 22 और जो आज तक का फरवरी का अगर सारा आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो ये 33,000 और जुड़ जाते हैं तो 2,51,000 लोगों को इस एक साल में लगभग ये दिया है। अब चूंकि उसमें लगातार हम उसका रिव्यू भी करते हैं और उसके आंकड़े चूंकि अब परिवार पहचान पत्रों से निकलते हैं, आज भी हमको कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया कि 23,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अप्लाई भी नहीं किया अभी ओल्ड एज पेंशन के लिए लेकिन वो इस दायरे में आते हैं। अब मालूम नहीं है स्वाभिमान के कारण से नहीं या वो अप्लाई करने के लिए वो गए हो उनको कठिनाई आ गई हो या उनको भरने को नहीं देता दूर दराज है जानकारी नहीं है, लेकिन हमने ये विचार किया है कि हम उन 23,000 सब लोगों को प्रोएक्टिव होकर के अप्रोच करेंगे, उनके घर जाएंगे कि आपका ओल्ड एज पेंशन नहीं बना है आप बनवा लीजिए और इस महीने के अंदर उस काम को हम पूरा कर देंगे। यानी जो लोग कहते हैं ना परिवार पहचान पत्र का क्या लाभ हुआ, तो उसमें यही है कि कोई हमारे पास आए इसकी बजाय जो डिजर्व करता हम उसके पास जाएंगे और उसको 23,000 लोगों को ये पेंशन बना करके देंगे। और दूसरा जो बताया था कि अभी 58 साल से 60 साल के बीच के जितने लोगों की आय उसमें लिखी हुई है उसका वेरीफाई करा करके उसमें दर्ज हो जाएगा और एक बार डॉक्यूमेंटल प्रूफ उसका हो गया कि 60 साल का एक इस दिन हुआ है उसके बाद उसको अप्लाई नहीं करना है, ऑटोमेटिकली उस दिन उसकी जो है पेंशन बन जाएगी पैरामीटर्स पूरा होते ही।
तो हरियाणा प्रदेश के चहुमुखी विकास के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की ओर से कई अहम कदम उठाए गए हैं, कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की गई है। आइए जानते हैं कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश की जनता के लिए शुरू की गई हैं और ये योजनाएं कितनी कारगर साबित हो रही हैं। चहुमुखी विकास। हरियाणा सरकार ने राज्य की जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश में 18,552 अटल सेवा केंद्रों और अंत्योदय सरल केंद्रों के माध्यम से 41 विभागों की 550 सेवाएं और योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जन शिकायत निवारण के लिए स्थापित सीएम विंडो बेहद सफल साबित हो रही है। सीएम विंडो पर लगभग 9 लाख शिकायतों में से लगभग 8.50 लाख शिकायतों का समाधान किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन अर्थात गरीब से गरीब का उत्थान को हासिल करना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमने हरियाणा में आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हुए पहला काम व्यवस्था परिवर्तन का किया है। अब मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सरकारी सेवाएं और योजनाएं सरल तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिला, उपमंडल एवं तहसील स्तर पर 115 सरल केंद्र तथा 4,000 से अधिक अटल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। नौकरियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव किया है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ही आवेदक के फिंगरप्रिंट और फेस रीडिंग ली जाएगी। सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त अंकों के लिए फाइनल परिणाम जारी होने से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तहसीलदार या एसडीएम से हस्ताक्षरित शपथ पत्र जमा कराना होगा। हरियाणा सरकार ने रबी सीजन 2021-22 के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 से 2,015 रुपए, जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,600 से 1,635 रुपए कर दिया गया है। खरीफ सीजन 2021-22 के लिए धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,868 से 1,940 रुपए और धान ग्रेड ए 1,888 से 1,960 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 से बढ़ाकर 6,300 रुपए और तिल का 6,855 से 7,307 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना को प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता देने हेतु शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग द्वारा बुढ़ापा सम्मान भत्ता दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से सहायता राशि सीधे तौर पर लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में प्रदान की जाती है। योजना से अभी तक 1,74,000 से अधिक लाभार्थियों को हरियाणा दिव्यांगजन पेंशन योजना का सीधा लाभ दिया जा रहा है। ऐसी ही कई और अन्य योजनाएं हैं जिससे प्रदेश की दशा और दिशा में लगातार सुधार हो रहा है। हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर अब प्रदेश की जनता के जीवन में दिखने लगा है। तो सरकारी नौकरियों की परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह पर हरियाणा सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। भर्ती घोटाले के आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में पर्ची खर्ची का खेल खत्म हो रहा है, सरकार की कोशिश भर्तियों में पारदर्शिता लाना है। अपने को पता है कि भर्तियां हम लगातार पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं, वो जो पर्ची खर्ची सिस्टम था वो बिल्कुल चलता नहीं था। कुछ बातें उसमें जो ध्यान में आई कि बहुत से ऐसे गिरोह ध्यान में आए हैं, पकड़े गए हैं, जो उसमें कहीं ना कहीं लीकेज कराने में
वो माहिर हैं, वो चाहे साइबर अपराध करते हैं, चाहे मिली भगत से अंदर उनके लोग लगे हुए हैं, और ये केवल हरियाणा हरियाणा के नहीं है, इसमें ये जो ग्रोह हैं बहुत दूर दूर तक काम करते हैं। यानी इनकी जड़ें जम्मू कश्मीर में मिली, इनकी जड़ें हैदराबाद में भी मिली, इनकी जड़ें गुजरात में भी मिली, इनकी जड़ें यूपी में भी मिली। तो ऐसे ग्रोह बने हुए और सब जगह ये ऑपरेट करते हैं, क्योंकि काम करने वाली बहुत सी मशीनरी कॉमन होती है सब जगह। पेपर सेटर कॉमन होते हैं, कहाँ से प्रिंट होना है वो सब लगभग कॉमन होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके सारे रूट्स बने हुए थे, लेकिन हरियाणा में इस बार हमने सफलतापूर्वक बहुत बड़ा ये नेटवर्क इनका तोड़ा है। और उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए जो आंकड़े हैं बड़े चौंकाने वाले हैं कि यानी जो पुलिस सिपाही भर्ती हुई उसमें जो पेपर लीक हुआ उसके अंदर तुरंत कार्रवाई करके इस समय तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक पेपर में 70 आरोपी, यानी कितना बड़ा नेटवर्क होगा ये, इसमें से ध्यान करने की बात है। एसटीएफ ने पिछले 3 महीने में 3 बड़े ग्रुप जो पकड़े हैं उसमें 26 आरोपियों को और जो है इसके अलावा और पकड़ा है। ग्राम सचिव की जो परीक्षा हुई उसमें भी 7 मुकदमे दर्ज किए गए, 64 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। अब इसमें मेरा कहने का मतलब यह है कि ये चीजें ऐसा नहीं कि अब खड़ी हुई हैं, ये बहुत पहले से बहुत जगह पर ये चल रही होती हैं। जिसका दाव जैसा लगा वैसे करने लग गए, लेकिन हमने उनके सब के नेटवर्क काट दिए हैं, तोड़ दिए हैं। और मैं अब दावे से कह सकता हूं कि अगली कोई परीक्षा होगी उसमें किसी प्रकार का कोई लूप होल नहीं मिलेगा। इम्परसोनेशन बहुत बड़ी मात्रा में होती रही है, नाम किसी का, परीक्षा कोई देके जा रहा है, परीक्षा देने कोई आ रहा है, और पुलिस में उसके जो फिजिकल पैरामीटर का लिए कोई और आ रहा है। तो उनके सबके, हालांकि एक केस हमारे पास जेबीटी टीचर्स का भी आया था जो पिछली सरकार के समय था, जिसके निशान जो है हम इंप्रेशन हमने मिलाए थे, हस्ताक्षर मिलाए थे, और उसमें सैकड़ों लोग उसके अंदर पकड़े भी गए थे। लेकिन उस समय भी हमें ये नहीं था कि भी ये बहुत बड़ा ऐसा है कि सब जगह ये सारा विषय चल रहा है, लेकिन इस बार उस पर गहराई से हमने काम करके उसको पकड़ा है। एक बड़ी सफलता है, इसमें कोई कितना ही कहता रहे लेकिन इस एक बीमारी को जड़ से दूर करने का काम यह सफलता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।